गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 9 बज गए हैं। कल रात को मैं 9 घंटे के लिए सोया और इस पूरे हफ्ते का जो भी फटीग था वो कल के रात में पूरी तरह से रिकवर हो गया। और एक बात मैंने बहुत सारे सालों से नोटिस किया है, वो चीज़ ये है कि जिस दिन मैं लेग स्ट्रेन करता हूँ उस दिन इन पर्टिकुलर मेरी जो नींद होती है और ओवरऑल स्लीप की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चली जाती है। क्या है कि लेग डे पे हम इतना सारा फटीग अक्यूमुलेट करते हैं, इतने बड़े बड़े हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स लगाते हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे मेरी एनर्जी इतनी चली जाती है कि आई रियली नीड दैट गुड क्वालिटी स्लीप। एंड इवन लेग डे होने के बाद जो अगला वाला दिन होता है जहाँ पर एक्चुअल सोरनेस ऐसे किक इन करता है, तब जब आप सोते हो तो बिस्तर और आपके पैर के अगेंस्ट का जो प्रेशर है वो इन अ वे बहुत रिलीविंग हो जाता है। वो इन अ वे एक इनडायरेक्ट मसाज हो जाता है क्योंकि आपका जो पूरा बॉडी वेट है वो ऐसे मैट्रेस के अगेंस्ट प्रेस हो रहा है एंड इट जस्ट फील्स वेरी रिलीविंग। तो हाँ, अ वेरी वेरी हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। आज वेदर बहुत अच्छा है, सेंडिंग यू गाइज लॉट्स ऑफ लव। मॉर्निंग वॉक हो गया है खत्म, जाते हैं ऊपर और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। ऑल्सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमारी जो लिफ्ट है उसकी जो लाइटिंग थी वो काफी ज्यादा पुअर थी, पर अब फॉर सम वियर्ड रीजन इन लोगों ने ये जो 3 लाइट्स है वो बंद कर दिया है और एक इतना पावरफुल लाइट लगाया कि उस लाइट को ऐसे आंखों में देख भी नहीं सकते। तो आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है 2 एग सैंडविचेस, 4 ब्रेड स्लाइसेस, 4 होल एग्स, थोड़ा सा केचप और यहाँ पर कॉफी। आइडियली मुझे ये खाने के आई थिंक 1 या 1.5 घंटे के बाद ट्रेन करना काफी पसंद आता, पर आज संडे है और हर फर्स्ट या थर्ड या सेकंड और फोर्थ ऐसा कोई रूल है पूरे महीने के 2 संडेज पे इवॉल्व चालू रहता है, बट द कैच इज कि इवॉल्व 12 बजे खुलता है, इसीलिए ये खाने के बाद हमें 2-3 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। मे बी अगर घर पे कोई केला या सेब होगा तो वो खा के इवॉल्व जाना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप को सो फार इस वीडियो के क्वालिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल जब मैं नीचे मॉर्निंग वॉक पे गया था तो आपको जो भी बैकग्राउंड थी, जो भी बोका इफेक्ट था, कलर्स थे, वो सब अगर आपको यूजुअल वीडियोस के कंपैरिजन में और भी बेहतर लग रहा है तो उसका क्रेडिट जाता है इस लेंस को। सो मैंने इस साल के जनवरी महीने में एक नई लेंस परचेज की थी जो थी ये है सिग्मा की 18-50 mm f/2.8 जूम लेंस। अब यूजुअली जब से मैंने ये लेंस लिया तब से मेरे सारे वीडियोस पे मैं जब भी कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ तो अब कैमरे के जो बॉडी है उसके ऊपर हमेशा ये लेंस लगी होती है। एंड मेन रीजन कि मैंने ये लेंस खरीदी वाज बिकॉज ये एक जूम लेंस है, स्पेशली ट्रेन करते वक्त या कोई भी सिनेमैटिक शॉट्स लेते वक्त, लाइक किचन बी रोल, कुकिंग सीक्वेंस, वो सारे सीक्वेंस शूट करते वक्त मैं यूजुअली ऑल द वे 50 mm पे जूम करता हूँ, जिससे जस्ट पूरी इमेज की जो क्वालिटी है वो ज्यादा सिनेमैटिक नजर आती है। पर चीज ये है कि ये लेंस एक f/2.8 लेंस है एंड इट्स अ जूम लेंस। अब मुझे प्राइम लेंसेज की जो क्वालिटी है वो यूजुअली थोड़ी सी ज्यादा पसंद आती है। इन माई ओपिनियन प्राइम लेंसेज, फॉर एग्जाम्पल ये लेंस एक फिक्स्ड 16 mm फोकल लेंथ पे लॉक्ड है, प्राइम लेंसेज की जो क्रिस्पीनेस होती है, जो शार्पनेस होती है, वो इन माई ओपिनियन थोड़ी सी ज्यादा सुपीरियर है। प्लस ये एक f/1.4 लेंस है तो जो बैकग्राउंड ब्लर मिलता है दैट इज नेक्स्ट लेवल। तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है टू व्लॉग ऑन दिस लेंस अगेन, मुझे काफी ज्यादा मजा आता था। बस एक चीज है कि मैं ज्यादा बी रोल, ज्यादा सिनेमेटिक शॉट नहीं ले पाऊंगा, बट आई फील लाइक इस पूरे साल में काफी वीडियोज में मैंने बी रोल लिया है, सिनेमैटिक सीक्वेंसेस लिया है, देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर दैट। पर जब भी कैमरे के ऊपर ये लेंस होती है तब मैं आप सबसे थोड़ी सी ज्यादा बातें कर पाता हूँ। ऑल्सो मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वे खत्म हो गया, इसीलिए वी आर बैक टू बायोजाइम ट्रिपल चॉकलेट वे। इसकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये मेरे पेट में बहुत जल्द से अब्सॉर्ब करता है और कोई डाइजेशन इश्यूज क्रिएट नहीं करता। इसमें अब MB एंजाइम प्रो नाम का एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली प्रोटीन को बायो अवेलेबल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो बेसिकली जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो ये पार्टली ब्रोकन डाउन होता है, मेकिंग इट वेरी इजी फॉर आवर गट टू अब्सॉर्ब एंड डाइजेस्ट। ऑल्सो आपके लिए एक और टिप, अगर आप कभी जिम के बाद पोस्ट वर्कआउट शेक बनाने के लिए प्रोटीन पैक करके लेके जा रहे हो तो उसे हमेशा ड्राई पैक करवाना, अगर आप पानी के साथ बैग में डालोगे तो एक हल्का सा कड़वा टेस्ट आ सकता है। सो अगर आपको अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो बायोजाइम ट्रिपल चॉकलेट वे को जरूर चेकआउट करना और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कूपन कोड चेकआउट पे जरूर इस्तेमाल करना, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिम टाइम, लेंस हमने वापस स्विच किया। मुझे अभी शौनक का टेक्स्ट मैसेज आया सेइंग कि कैन यू प्लीज गेट योर कैमरा, मैंने बहुत टाइम से अच्छे फोटोज नहीं लिया है। तो ट्रेन करने के बाद हम उस इवॉल्व के व्हाइट कलर के रूम में नहीं पर जहां पर बहुत सारी नेचुरल सनलाइट आती है उस रूम में हम शौनक के लिए थोड़े से अच्छे फोटोज लेंगे। एंड सिंस गुड क्वालिटी फोटोज, गुड क्वालिटी वीडियोज की बात चल रही है, आई हैव टू टेक द जूम लेंस। मजा आ रहा है।
कल मैं अपनी प्यारी सी 2 लीटर की बॉटल दोराब जी में भूल गया था। प्रे टू गॉड कि उन लोगों ने वो बॉटल काउंटर पे रखी है। यूजुअली बैगेज काउंटर के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। उन सबसे मैं हेलो बाय ये सब करता रहता हूँ। सो होपफुली वो बॉटल अभी भी है। कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, सच गुड ह्यूमन बीइंग्स। तो आज बाय द वे संडे होने की वजह से ये मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था। मुझे पता था जिम खाली होगा। हम यहाँ पर पहले हैं 11:51। गाइस चेक दिस आउट, एक एम्प्टी जिम का नज़ारा। ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा है कि मैं एक फोटोशूट के लिए आया हूँ, बट वाओ क्या मजा आने वाला है। तो जिम खुलता है 12 बजे। अभी हमारे पास 10 मिनट और है फॉर द जिम टू ऑफिशियली स्टार्ट। तो तब तक हम शौनक का इंतजार करेंगे। एंड आज मैं शायद वर्कआउट का जो पहला हाफ होगा वो रॉ रखूंगा, जस्ट बिकॉज ये जो जिम में एटमोसफियर है, ये जो एनवायरमेंट है, ये यूजुअली नहीं मिलता। वेरी वेरी रेयर, इतना साइलेंस, इतना पीस। यहाँ पर इतनी शांति है कि मेरा जो आवाज है वो यहाँ पर लिटरली एको हो रहा है। प्लस यहाँ की साउंड सिस्टम भी बंद है। सो दिस विल बी अ वेरी अमेजिंग पुश वर्कआउट। जस्ट लुक एट दिस, आपने मेरे वीडियोज में इवॉल्व को ऐसे कभी नहीं देखा होगा। मेरे मन में तो अभी ख्याल आ रहा है कि सिर्फ इस वाइब के लिए मैं हर संडे जिम आऊंगा। दिस इज अनबीटेबल। जो लोग एक होम जिम ओन करते हैं उनको शायद ऐसे ही फील आता होगा। सो आज का पुश सेशन हम लगाने वाले हैं शौनक के साथ। हमने ऑलमोस्ट 1 साल में ट्रेन नहीं किया। Bro, that's what I was just recording that only at home, bro. The last footage I got was 1 year ago where we trained push only. यहाँ पर या माफा? ओयो। हम लॉकडाउन में बहुत ट्रेन करते थे एक साथ, बट दिस विल बी फन। What do your push days look like आजकल? I start with incline, shoulder press, dumbbells, then my favorite machine, chest press, lateral raises, cable flies, and any 2 tricep exercises. Yeah, that's sort of similar. तूने ये try किया है कभी incline? I've never done incline bench. Try करना है? Or do you want to start with this? I don't mind doing this. ठीक है, मजा आएगा. The last time I used to do incline bench was the DUP days. Right, barbell के साथ ना पर? 3 years ago. Yeah, DUP days. I know. But yeah, ये incline Smith machine is like a pure hypertrophy based movement. Or what we can do is ये भी idea. हम इंक्लाइन डंबल का एक टॉप सेट लगा सकते हैं, देन वी कैन डू दिस। या कूल, चल दैट वे आर ईगो विल आल्सो गेट सैटिस्फाइड। या चल चल, एवरी संडे इज लाइक दिस ओनली क्या? मोस्टली एट दिस टाइम। या तेरा ऑल टाइम बेस्ट कितना है ऑन डंबल इंक्लाइन? या 47.5478 आई गॉट। My God, yeah, powerlifting? No, bodybuilding. When I was strong. When I was strong. Now I fell from the bike, injured my wrist. So I'm getting back now. It was 2 months से मैंने नहीं किया था कुछ incline. Right. Flat. I only used to do the machine. अभी let's hope I get it. But was this when you used to flat bench? उस time पे था? No. This was this year, bro. Like I stopped everything in Jan. I think in May. Yeah, May I got it.
finally got the job you like. I'm making money off the songs I write. I know you said that I could.